हरे कृष्णा अध्याय 6 श्लोक नंबर 29। सर्वभूतस्तम आत्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इसका अर्थ, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। इसका तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योग अभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आतत्त्वच्च मृतत्वच्च आत्महि परमो हरिः। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि सातवें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव परा शक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपरा शक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह समस्त साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। ये श्लोक भक्तों जो है, ये मूलतः अगर देखा जाए तो ये वास्तविक तौर पर जो हमको उच्चतम स्तर पाना है उसकी पराकाष्ठा है, मतलब उत्तम है। यहाँ पे भगवान बताते हैं, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यही भक्ति का मूल लक्षण है दोस्तों। जो कृष्ण भावना भावित योगी होता है वो पूर्ण दृष्टा होता है, मतलब सर्वम खलविदम ब्रह्म। जहाँ पे भी देखो भगवान को ही देखो, मतलब समस्त जीवों में, चाहे वो जड़ वस्तु हो या जीव वस्तु हो, सब में भगवान को देखना है। क्यों? क्योंकि भगवान किसी में भेद नहीं करते हैं। कुत्ते में भी वो परमात्मा रूप में स्थित है, ब्राह्मण में भी परमात्मा रूप में स्थित है। इसीलिए अपने अपने कार्य उस प्रकार से वो लोग करते हैं, नहीं तो कैसे करेंगे। जैसे भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं, स्मृते ज्ञानम अपोहनम च। ज्ञान भी भगवान से आता है, स्मृति भी, रिमेम्बरेंस भी भगवान से आता है। अपोहनम यानी फॉरगेटफुलनेस, भूलना भी भगवान से ही हमें आता है, क्योंकि भगवान अंतरंगा में
हमारे सबके हृदय में स्थित है, इसीलिए हमें ये शक्ति मिली है। तो जो इन सबका ज्ञाता है वो समस्त वस्तुओं में वो वास्तविक योगी स्वरूप सिद्धि निस्संदेह इसीलिए कहलाता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, हर जगह पे देखता है। अंतर सिर्फ हम में और भगवान में इतना ही है कि हम आत्माएं सभी व्यष्टि हैं, अलग अलग है, सब एक ही है, आत्मा है मगर व्यष्टि है, अलग अलग है। मगर भगवान परमात्मा रूप में हम व्यष्टि आत्माओं के साथ सबके हृदय में है, सबके साथ है, विद्यमान है, और हमें आदेश देते रहते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, ये ठीक नहीं है, ये करो, वो करो। ये हम पे है कि हमको उनका डायरेक्शन सुनना है या माया का डायरेक्शन सुनना है। अगर माया का डायरेक्शन लेंगे तो घाटे में ही रहेंगे, भगवान का डायरेक्शन लेंगे तो फायदे में रहेंगे। वो कैसे, यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, जो सातवें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान बताएंगे कि उनके समस्त शक्तियाँ हैं, है ना, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, मगर उनमें से दो जो मुख्य प्रमुख शक्ति है वो है परा तथा अपरा, मतलब सुपीरियर और इन्फीरियर एनर्जी। जो जीव है ये पराशक्ति में आती है, वो भगवान की अंश है, मगर इस भौतिक संसार में आके माया के चंगुल में फंस कर वो अपरा शक्ति से बद्ध हो जाती है, प्रिजन हाउस में बंद हो गई है। तो उसको इस जीव सदा भगवान के शक्ति में स्थित होने के लिए उसे उसका संबंध भगवान के साथ, कृष्ण के साथ जानना बहुत 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 ज़रूरी है, कि वो तो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि भौतिक चंगुलों से। तो जो अपरा शक्ति के घेरे में रहता है वो भौतिक इंद्रियों में दास बन जाता है और फंस के रहता है, और जो पराशक्ति के अधीन आता है वो साक्षात परमेश्वर का निर्देशन पाता है और उनका दास बनता है। तो हमें चुनना है कि हम जीवात्माओं को, बद्ध जीवात्माओं को माया का दास बनना है और सदैव बद्ध रहना है अनंत काल के लिए, और यहीं फंस के यहीं मरते रहना है, या भगवान का दास बनना है, कृष्ण का दास बनना है, और उनका दास बन के मुक्त होकर इस जगत से, इस दुखमयी जगत से हमें पार होना है। ये हम पे है, हमारा चुनाव ही हमारा इंडिपेंडेंस है। तो ये जो हमें मिला है विल, हमारा फ्री विल, चॉइस, हमारा चुनाव, है ना, वोट दीजिए बोलते हैं ना, वैसे ही हमारा भी ऐसे ही है। खुद के बारे में हम जिसको चुनते हैं वही हमारा लक्ष्य बन जाता है, वही हमारा आगे का जीवन उस पर निर्भर बनता है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। ये भगवद गीता का सबसे ऊंचा उपदेश है जो भगवान हमको बता रहे हैं। सिंपल टेक्निक है, कुछ करना नहीं है, सर्वत्र सब में ईश्वर को देखना है, माने कृष्ण को देखना है। वासुदेवम सर्वम इति, सब में भगवान कृष्ण है। जब हम ये दृष्टि, समदृष्टि रखेंगे हर जीवात्माओं के तरफ, हर जड़ वस्तु के तरफ, तो किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, और जब किसी का हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी के तरफ राग द्वेष नहीं रखेंगे, तो अंत तो गत्वा हमारा भी अच्छा होगा, और हम अपने गंतव्य तक सुरक्षित अच्छे तरीके से पहुंच जाएंगे। यही इसका मूल उद्देश्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।